वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज मीह पै रहा जी 15/7/2018 सवेर के 9:04 हो जी। तो ये साढ़े माता जी बैठे ने जिहड़े काठगढ़ तो लैके आए हैं। असीं दसना चाहते हाँ भी ये माता जी पूरे कपड़िया के बैठे ने, सलवार कमीज पा के रखते हैं तो बिल्कुल प्रशादा पानी भी छक रहे हैं जी। तो पिछे साढ़े माता जी बैठे ने, आ देखो जी नूरपुर बेतियां तो जिहड़े माता जी नूं लैके आए सीगे रायपुर मुन्ने तो, उन्हां दा बेटा बलदेव ते नाल पंडित बैठा, सति श्री अकाल बुला रहा। इधर बापू जी बैठे ने चंद्रमोहन सिंह जी, तो इधर माता जी ढंडरियां वाले, तो छत आ प्रोफेसर साहब बैठे ने साढ़े चाह पी रहे ने जी। छत ते समत वाहिगुरू ही बख्शदा, तो जिन्नी की छत ते समत सच्चे पातशाह ने बख्शी हुई है साडी टीम नूं, तो असीं पूरी तनदेही सेवा करने की कोशिश करते हैं। पर तुसीं भी साढ़े एक परिवारक मैंबर हो सारे जिहड़े साढ़े नाल जुड़े हुए हैं वीर, तो असीं उन्हां नूं भी दसना चाहते हाँ भी असीं किस तरह सेवा कर रहे हैं, किस हालातों के वाहिगुरू सानूं तों सेवा लै रहे हैं। तो सानूं कोई इहदे नाल शिकवा जां कोई गुस्सा जां कोई ये नहीं हैगा, असीं तुहानूं कोई रिग्रैक्ट नहीं फील कर रहे, असीं तुहानूं जानकारी देनी चाहते हाँ भी इन्हां हालातों के भी सेवा हो सकती है। आ देखो जी कितना बारिश, अज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बाछड़ पै रही है, तो देखो कितना साढ़े जिहड़े फीमेल मैंबर आ छतरी दिओ ते उन्होंने तंबू के अंदर तकर पानी जा रहा बाछड़ दे नाल, ते इधर साढ़े जिहड़े मेल परसन मैंबर साढ़े पैंदे आ तरपाला ने थले, वो भी सारे कितना जाने कि रसोई दे विच साढ़े सारा जिथे प्रशादा पानी बनता उत्थे भी अज पानी का यानी कि वाहगुरु की कृपा वर्ष, तो बहुत ठंडा मौसम होया हुआ पर जिहड़ियां साडियां तकलीफां जां कुछ बढ़ जांदियां बारिश के नाल, उहनां दे बारे तुहानूं जाणू कराउंदे आ किद्दां असीं कपड़े नूं बन बन के तरपाला नूं किद्दां टाइम कढ रहे हां। पर अकाल पुरख वाहगुरु नूं यही मंजूर आ, इस तरीके नाल ही सेवा मंजूर आ साडी, ते साडी टीम पूरी खुश हो के तनदेही नाल कर रही आ तुहाडे सारे वीरां भैणां दे सहयोग नाल। पर असीं एक बेनती करते हैं भी जिहड़ा एक हुण छोटा जिहा किसी इन्हां वास्ते एक घर, एक छोटा जिहा एक होमलैस पीपल वास्ते होम स्वीट होम बनाउणा चाहुंदे आ, तो उहदे विच साडा सहयोग जरूर दिओ। उहदे विच बिल्डिंग मटीरियल का समान जिहड़ा लोहे का शैड पै रहे ने, आ देखो किद्दां अंदर पानी बड़िया होया वा, तो उहदे विच तुसीं साडा सहयोग दे सकदे हो। जां मान लो इट्टां रेता बजरी सीमेंट जे कोई वीर किसी एक शैड की जिम्मेवारी लै सकता पूरे की, वह भी लै सकते हैं। कोई बाथरूम की जिम्मेवारी चकनी चाहता कोई बाथरूम बनाने वह भी लै सकते हो। आ देखो कितना बाछड़ पै रही है, तो किमें साढ़े माता हुणी भैन किमें एक साइड पर हुई बैठिया, क्योंकि तंबू के इतने तिकर तो पानी ही आ गया अद तिकर, तो आ सारे कितना बारिश तो बचण के मारे किस हालात के कि बैठे ने। आ छोटा जिहा नन्ना जिहा गुरप्रीत साडा इहनूं बिल्कुल कोने दे विच लई बैठी है साडी सरोज। सरोज ठीक है तू? गुरप्रीत ठीक है? इहनूं पता ही नहीं गा भी किस हालातों के किदां इह जिंदगी चल रही आ, ते वाहिगुरू सच्चे पातशाह सेवा लई जांदे आ ते करी जा रहे हैं जी। ते पर थोनू असीं जरूर इहदे बारे च जाणू कराउंदे रहिंदे आ हर टाइम। इधर भी तरपाला के कितना बजुर्गों असी टेंट लगा के रख्या होया, वैसे सारा कुछ वधिया चल रहा जी, कोई एड्डी वो दिक्कत वाली गल नहीं गी, पर फिर भी असी तुहानू जरूर दसना चाहते हैं भी असी कितना यह सेवा नू चला रहे हैं, तो अगों ये दिक्कत ना हो अपने परिवार के, क्योंकि साडा कल्यां दा परिवार नहीं, साडी कल्यां दी कोई ड्यूटी नहीं, ये सारयां दा सच्चे पातशाह दी मेहर नाल सेवा तो संभाल की ड्यूटी आ, तो जिहड़े भी वीर साडे नाल भैणां जुड़ियां हुई हैं वा। तो आ देखो कितना, क्योंकि मीह का भी अज पूरा जोर आ, सवेर का तड़के का मीह पई जा रहा, तो अब
अंदरले भी हाल तुहानूं दिखाउणे आ भी अंदर किदां दे हालात ने। पानी सारा अंदर तक क्योंकि बाछड़ बहुत ज़्यादा वा, असीं गर्मी करके साइडां तों खुला रख्या होया ओपन शैड नूं, ते पर पानी है जिहड़ा बाछड़ दा वह अंदर तक आ बढ़ता जी। हाँ देखो इधर भी तंबूआं दे विच बापू जी हुणी पए ने, पर वाहिगुरू की कृपा तंबू पूरे मजबूत आ वधिया तरीके नाल आराम दी अनीद सौ सकते ने बजुर्ग। तो अंदर वाहिगुरू का नाम लिया जा रहा सच्चे पातशाह अकाल पुरख का, जिन्हां दे करके ये सेवा मिली आ। प्लीज़ ये शेयर जरूर कर दिया करो, रिक्वेस्ट ही है, कहना ना पिया करे, क्योंकि एक्चुअली असं ये कहते सानू चंगा नहीं लगता, क्योंकि कोई मशहूरी वास्ते जां किसी नूं लभण वास्ते तो वीडियो नहीं पा रहे असी, पर असी चाहुंदे आ होर वीर भैणां तक पहुँच जाए, जिहड़े वीर भैणां नूं नहीं पता जां किसी वीर जां भैण नूं साडे नाल जुड़ना होवे उन्होंने उन्हां नूं उन्हां तक पहुँच सकी असी। एक ओंकार सब दा इक्को ही एक आ अकाल पुरख। एक दो जी पौ लख हो लख वीख लख लख तेरा आखिए एक नाम जगदीसा ईद राही पत पौड़िया चढ़िए होए गीत सुगला अकाशे गीता आईसा नानक नगरी पाइए पूरी पूरे गीत आखर जोर तुके न जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमार पवन पानी अग्नि पताल धरती काबर की कर्म काल रंग नाम करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार जिथे सुहुण पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाए कोटे पाए नानक जे आ जाते जाए करम पंच गाहियो करम जी। है जी सच्चे पातशाह वाहिगुरू अकाल पुरख की कृपा वा जी, ते असीं जाने के तुहानूं जानकारियां दे सकते हैं ये बारे च भी असी किस तरह ना साडी सेवा चल रही है वाहिगुरू की कृपा ना, ते पर बेनती यह है साडी भी होर तुहानूं भी अपने लैवल ते किते भी कोई इदां दा लोड़वंद बंदा मिलदा जिथे तुसीं उहदी मदद कर सकते हो, मीह पै रहा कोई होर भी बहुत बंदे बेचारे जिहड़े सड़कां दे उपर जिंदगी कट्टी जा रहे हैं, जिवें कि माता जी बिना कपड़िया तो 15 साल तो माता जी बिना कपड़िया तो सड़क के उपर सौंदे सीगे बिल्कुल ही बिना कपड़िया तो जी। देखो किड्डी त्रासदी है साडे पंजाब दी वी एक माँ बजुर्ग दादियां दे समान बिना कपड़िया तो सौ रही है, ते इह वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करन समत बख्शन साडे पंजाब दे वीरां नूं भैणां नूं वी उह सचेत हो सकन, जिवें आ माँ पिछले कहिंदी किन्ने सालां तों बंद कमरे च बैठी सी, अज ठंड दे नाल चादर दे विच कुंगड़े बैठे आ क्योंकि बारिश तो हवा का बहुत ज़्यादा जोर आ, मौसम एकदम ही बदल गया वा, जिवें स्क्रीन होंदियां वा उन्हां नाल पर्दा करके माता जी ते बाछड़ पैंदी आ, कोशिश करदे आ वी बारिश नूं रोकिया जावे।
कपड़े सियाने वाला साडा वीर अंदर पानी पैंदा अच्छा उधरों आ गया अच्छा उपरों भी लीक होने लग गया गरमेल आ माड़ा देखिए तो पानी आ रहा लाइटा दे करंट ना आ जाए और ट्यूब ट्यूब दे पानी आ रहा टेलर वाले चो देखी माड़ा करंट ना लग जाए इधर भी देख लो पानी उतो नहीं बढ़ रहा अंदर इधर तो नहीं कोई लीक हो रहा बबे बाबा जी गिले ना हो जाओ तुसी बापू बूटा सिंह जी सुते पए ने इधर भी पानी बढ़ गया नक्का ला रहे इधरों पलग बिंदर दविंदर और सामने ना पलग चो कट गया तारा पखिया दिया मंजे खड़े कर दे मूहरे पूरे नू कर दे पुत मशीन ओरी गिली होने सारी टेलर साहब की छट दी कि कौन ले गया ये है जी साडे पर पंछी साडे पूरे खुश अज ये भी साडे परिवारक मैंबर ही है जी छे बतकां आ साडियां जदों तों संस्था शुरू हुई उदों ही आग लैके आए सीगे ते ये भी जख्मी हालत दे विच दो बतकां सानू मिलियां सीगियां ते दो तो हुण वाहिगुरू दी कृपा नाल छे हो गया है ते इधर ये पूरे खुश हैं बारिश के बच्चे इधर भी बारिश पैंदी सी अंदर पानी आता सी किचन के साइडां ते चादर ला के बचत की कपड़े वाले साढ़े तंबू आ सर्दियां सुर्दियां वाले तंबू आ इधर ठीक है पानी तो नहीं बड़े अंदर पिछे बछड़ पैंदी है कोई ना इधर ठीक है काका इन्नी कि थोड़े नाल जानकारियां सांझियां करनियां सी जी क्योंकि तुहानू दसना साडा फर्ज आ माई ठीक है तू ठंड लगती है ठंड आ माता जी नू भी कंबल दे दो लिया के दिहाड़े पतला कंबल कढ़ दे पुत माता जी थोनू चाहिए कंबल ठंड लगती है ठंड ठंड लगती है माता ठीक हो वाहिगुरु सच्चा पातशाह मनुखता की सेवा ही सब तो वड्डी सेवा है जी अरदास करो सच्चे पातशाह अगे भी असं इदा ही सेवा करते रहिए सच्चे पातशाह सानू समत बख्शन अकाल पुरख वाहिगुरु साढ़े ते मेहर भरिया साढ़े परिवार पर हाथ रखना असी इदा ही निरंतर सेवा करते रहिए होर दीन दुखियां की मदद कर सकी जी
ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੱਟਾਂ ਸਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸਰੀ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜ ਪੀਸ ਦੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਥਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਪਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੂਜ਼ ਗਲਵਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਨ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਲ 500 ml ਕੋਟਨ ਰੋਲ ਸਰਜੀਕਲ ਗਲਵਸ ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਗੋਜ ਥਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਰੂਮ ਸਪਰੇ ਬਲੈਕ ਹੈੱਡ ਜੀ ਐਪਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਮੌਕੇ 200 ਪਜਾਮਾ ਲੋਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 200 ਕੋਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਹਸਨਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਕਰੀਬ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 97-803-00-71-82-848 ਅਤੇ 000-71 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ID ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੰਥਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ID ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਲੱਖਾਂ 5-5, 20-50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜੁੜ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜੀ
जिवें कि हुण साडे कोले 100 मेल परसन आ ते 12 फीमेल परसन आ जी, ते बाकी साडे 28 टीम दे मैंबर आ जिहड़े असीं सेवा करदे आ, जिहड़े 16 बंदे असीं इत्थे रहिंदे आ जिहड़े 24 घंटे रहि के सेवा करदे आ, बाकी 23-24 परसन इदां दे आ जिहड़े कोई ड्यूटी जॉब करता, कोई स्टडी करता, कोई 5 घंटे अपनी लाइफ दे कोई दिन नूं, कोई शाम नूं, कोई संडे नूं आ के साडे नाल सेवा करवाउंदे आ, यानी कि इदां दे बहुत वीर आ। होर भी वीरां नूं बेनती आ, जिहड़े लोकल वीर आ इत्थे जुड़न, साडे नाल आ के फिजिकली हैल्प करन, सेवा करन, सानूं किसे माया दी जां किसे चीज़ां दी लोड़ नहीं, सानूं तुहाडी लोड़ आ, तुहाडे साथ दी, तुहाडे सहयोग दी लोड़ आ जी, ते जरूर इहदे विच साडा साथ दिओ, क्योंकि साडी कल्लियां दी जां साडी कोई जिम्मेवारी टीम दी नहीं हैगी, सारयां दी अपनी बणदी जी, ते इह संस्था तुहाडी कल्लियां दी कोई जगीर नहीं हैगी साडे बाप दी, इह वी तुहाडी सारयां दी आ, तुसीं आ के इत्थे जो मर्जी जिस तरीके नाल मर्जी तुहानूं ठीक लगदा उस तरीके नाल सेवा कर सकदे हो, किसे बजुर्ग नाल आ के चार गल्लां ही कर लोंगे वह भी बहुत वड्डी गल आ, क्योंकि उहदा मन हौला हो जांदा जी, ते जे किसे बजुर्ग दी 10 मिनट सिर दी मसाज भी कर दोगे जां किसे वीर दीआं लत्तां नूं थोड़ा रिलैक्स कर दोगे 10 मिनट मसाज करके, तां उह भी बहुत वड्डी गल आ, क्योंकि कीड़ियां नाल खाधे जा रहे परसन नूं इही वड्डी रिलीफ दी गल आ वी उहनां नूं कोई टच कर रिहा। इदां दे इनसान आ साडे कोले बहुत, जिन्हां नूं किसे ने 10-10 सालां तों 15-15 सालां तों टच ही नहीं कीता सीगा जी, ते पर अज वाहिगुरू दी कृपा दे नाल इदां सारे गोपाल वीर वर्गे पूरा धीरू वीर वर्गे इंजॉय भी करदे आ ते वधिया जिंदगी भी जिउंदे आ। ते आ देखो तुसीं कुछ पिक्चरां वा जिहड़ियां असीं लाईआं होईआं बोर्ड दे उपर, जिहड़ियां सानूं याद दिवाउंदियां रहिंदियां वी साडी सेवा दी ड्यूटी लगी हुई आ, असीं कितें खुंझ ना जाइए जी, इदां ही सारयां दी ड्यूटी लगी हुई आ, हरेक बंदा आपो अपनी जगह ते ड्यूटी दे रहा, कोई किस तरह दी कोई किस तरह दी ड्यूटी दे रहा, ते सच्चे पातशाह मेहर करन सारे वीरां भैणां दे, ते जिहड़े साडे इस परिवार दे नाल जुड़े हुए आ जी, ते अग्गों भी होर वीरां मैंबरां नूं भरावां नूं जोड़न दे वास्ते भी अपील करदे आ, जरूर इस स्नेह नूं साडे नूं पहुँचाओ होर लोकां तक, ते इस वीडियो नूं शेयर करो, इस पेज नूं शेयर करो वध तों वध, ते तां जो होर लोड़वंदां तक असीं पहुँच सकीए, ते होर वक्त दे मारे हुए इंसानां नूं मरी हुई इंसानियत दे विच्चों असीं कढ सकीए, ते असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा इक स्नेहा जिहड़ा मनुखता दी सेवा सब तों वड्डी सेहा सेवा उह सारयां तक पहुँचा सकीए। देखो किद्दां सब शांत होए बैठे आ, ते इह उही परसन आ जिहड़े संगलां नाल बन्ने हुए सी घरां च 20-20 सालां तों, 10-10 सालां तों गुलाम बना के रखे सी, 40-40 सालां तों सड़कां दे उपर रुल रहे सी 20-25 सालां तों, अज उही इंसान चंगा जीवन जीउण लई वध रहे ने अगे। बापू महिंदर कपूर आ जी साडे, ते ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਚੜ ਅਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕੋਈ ਪਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
वो कल्ले कल्ले घर दे विच जाके टल्ली बजा के रेहड़ी दे उपर जां किदां गजा करदे सी, किस तरीके नाल फूड का समान इकट्ठा करते होर जिदा हूँ भी एड्डी वड्डी सेवा चल रही है। साढ़े भैन इंद्रजीत कौर जी और एड्डी वड्डी सेवा निभा रहे हैं, तो इदा ही होर भी बहुत वीर भैन इदा दिन सेवावान सहयोग दे सकते हैं। तुम अपने लैवल से पिंड क्लब बना के अपने दसा पिंडा दिया क्लबा कट्ठे करके एक छोटा जहा उ रहन का कोई सिस्टम, कोई अपने जंज घर होंगे सी पुराने, हूँ जंज घर च कौन जाता जी, कोई नहीं। गुरु घर एडिया एडिया बिल्डिंगा बनाती अपना उत्थे एडे एडे हॉल बनाते उत्थे कितने क्यों कौन दीवान लाता जी उत्थे, तो उत्थे कोई इदा का रहन बसेरा बना सकते हैं जिते आप घट्टो घट दस पिंडा के लोगों की तो मदद कर ही दईए, जो कोई मेडिसन का ही उत्थे इदा का सिस्टम बना दीए अपने पिंड दे विच। हुण एक गुरु घर दे विच पहला जरूरत होंदिया सीगियां, गुरु घर दे विच आपां गुरु घर दीआं बिल्डिंगां बनाउंदियां सी, गुरु घरां दे विचों सेवा हुंदी सी, आपां होर लोड़वंदां दी मदद करदे हुंदे सी। हुण गुरु घरां दे विच कोई लोड़वंद किसी की मदद नहीं हुंदी, बहुत घट गुरु घर होणगे उहनां दे प्रबंधक होणगे जिहड़े लोड़वंदां दी मदद करदे होणगे, ते नहीं तां कोई मैने कि विरला ही होगा जिहड़ा इदां होगा वी। गुरद्वारा साहब दे विचों हरेक महीने 10 परिवारों पिंड गरीब बंद राशन दिता जाता जिसे दवाई दी जाती है, पर साढ़े गुरु घर जे प्रबंधक है उन्होंने सोचना चाहिए भी ठीक है एक आप बिल्डिंग बना ली बहुत सोहना कर लिया पत्थर लाते उत्ते करोड़ों के ओके आ हूँ इस तो अगे की करना होर पत्थर लाने होर वो पत्थर के पत्थर चढ़िया ने, क्योंकि जी इनकम है वह तो आई जा रही है ना, वो तो रुकी नहीं। सोर्स ऑफ इनकम तो उन्नियों ही आम था उन्ना ही टेक रहे लोग, उन्होंने मूँह ना मोड़ो जिहड़े गुरु घर नाल जुड़े हुए वीर भैन आ जिन्हां दी शरदा वा उन्हां दी शरदा नूं बणी रहिण दो, उन्हां नूं पता लगे भी साडा पैसा चंगे थां ते जा रहा। आपदे पिंड दे विच एक सोसायटी बना के जां गुरद्वारा कमेटी वल्लों ही पिंड दे विच जे दो जां चार कोई कैंसर दे मरीज आ उन्हां दी दवाई शुरू करवा दो, जे पिंड दे विच दो जां चार कोई परिवार भुखे सौंदे जिन्हां नूं राशन दी लोड़ आ उन्हां नूं राशन शुरू करवा दो, इदां दीआं सेवावां दी जरूरत आ जी। ते चलो असीं सारे बाले सियाणे नहीं हैगे तो साढ़े ना मैंबर भी घटते जा रहे, 100 के करीब ही मैंबर रह गए, बाकी सारे वीर छड गए, उन्होंने लगे शायद भी गल्लां ज़्यादा लंबियां हो जांदियां। चलो धन्नवाद बाई जी, थैंक यू थोड़ा बहुत बहुत सारिया वीर भैणों का जिन्होंने सानू सुनिया सवेरे सवेरे, तो सच्चे पातशाह मेहर करन तुहाडे सारिआं ते मेहर भरिया हथ रखण जी, इन्नी की बेनती है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।